रक्षा क्षेत्र में भारत तेजी से नई शक्ति बनकर उभर रहा है। हाल ही के समय भारत ने ताबड़तोड़ कई मिसाइलों के सफल परीक्षण किए हैं, जो अपनी शानदार मारक क्षमता के कारण दुश्मन खेमे में खलबली मचाने के लिए काफी है। हिंदुस्तान की बढ़ती सैन्य शक्ति से जहां पाकिस्तान की धड़कनें आपे से बाहर हैं, तो चीन की बीपी भी बॉर्डर क्रॉस कर चुकी है। हालांकि भारत यहीं रुकने वाला नहीं है। अब भारत अपने क्षेत्र में जिगरी दोस्त देशों को भी मिसाइल परीक्षण का मौका देने में जुट गया है। यानी सैन्य साझेदारी की वो कूटनीतिक कवायद भी शुरू कर दी गई है, जो चीन को हर मोर्चे पर पस्त करने के लिए माकूल साबित होगी। दरअसल भारत ने सिंगापुर को मिसाइलों और रॉकेट के परीक्षण और लॉन्चिंग के लिए चांदीपुर इंटीग्रेटेड रेंज के इस्तेमाल की पेशकश की है। भारत पहले ही सिंगापुर के लिए एयरफोर्स और आर्टिलरी फायरिंग रेंज समेत अपने मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर्स को खोल चुका है। इसकी वजह यह है कि द्वीपीय देश सिंगापुर में ऐसी सुविधाओं के लिए सीमित जगह है। दोनों देश एक दशक से ज्यादा वक्त से नियमित तौर पर आर्टिलरी एक्सरसाइज करते रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि सिंगापुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके सिंगापुरी समकक्ष डॉक्टर एंग हेन की मौजूदगी में इससे जुड़े लेटर ऑफ इंटेंट को दोनों पक्षों ने एक दूसरे को सौंपा। डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज को रॉकेटों, मिसाइलों और हवाई हथियारों के परीक्षण और मूल्यांकन के लिए स्थापित किया है। पृथ्वी, अग्नि, ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों और आकाश नाग जैसे रणनीतिक हथियारों का यहां परीक्षण होता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 18 से 20 नवंबर तक सिंगापुर दौरे पर थे।